VHNews सबसे अलग। नमस्कार, आप देख रहे हैं VH न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रवण तिवारी। हैदराबाद में रेप होने के बाद लगातार अनुदुबे उसके लिए प्रदर्शन कर रही हैं, न्याय की मांग कर रही हैं। जंतर मंतर पर आए दिन प्रदर्शन उनका डेली लगातार करती जा रही हैं। आज एनकाउंटर होने के बाद अनुदुबे इंडिया गेट से निर्मला सीतारमण के घर जाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने हालांकि बैरिकेडिंग लगा के उनको रोक दिया और जिसके बाद पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा कर निर्मला सीतारमण के घर लेकर गई। अब देखना होगा कि अनुदुबे इसके बाद अगला कदम क्या लेती हैं। ये नारे, ये शोर, न्याय की गुहार और जन आक्रोश, ये देश की दशा है जिस देश में नारियों को देवी की तरह पूजा जाता है, शक्ति के रूप में उपासना की जाती है। उस देश में आज नारी स्वयं की सुरक्षा मांग रही है। हाथ में तलवार और त्रिशूल लेकर सड़क पर उतरी ये महिलाएं न केवल प्रियंका बल्कि इस देश में रेप की शिकार हर उस महिला के लिए न्याय की मांग कर रही हैं जो इन हैवानों का शिकार बने। और हम लोग कंटिन्यूस नरेंद्र मोदी जी को भी ट्वीट करके बोल रहे हैं, बार बार अनुदुबे के सारे संघर्ष बता रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट करके भी अनुदुबे के बारे में को अपना संदेश देना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा उनको कि आप बताएं एक बार, आप अनुदुबे को क्या संदेश देना चाहते हैं जो देश की बेटी पिछले 7 दिन से लड़ रही है, वह देश की बेटी के लिए आपका क्या संदेश है वह भी हम लोग जानना चाहते हैं। न्याय की गुहार लगाने में अनुदुबे ने बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया। संसद से सड़क तक डटी रही, कभी जंतर मंतर तो कभी इंडिया गेट, हर मोर्चे पर अनु ने डटकर मुकाबला किया। चारों आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर करके मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद अनु के हौसले को और भी ज्यादा ताकत मिली, जिसके बाद अनु ने देश में हर उस लड़की जिसका रेप हुआ, जो दरिंदों का शिकार बनी है, उसको न्याय दिलाने के लिए खुद को कटिबद्ध कर लिया। मैम, आज जब चार आरोपियों का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आया? बहुत खुश थी मैं कि एट लास्ट लोगों को तक थोड़ा, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई जो डिसीज़न है जल्दी लिया गया है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी ये सही तरीका नहीं है। तो क्या फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए? देखिए, फैसला ऑन द स्पॉट मैं नहीं चाहूँगी कि कभी किसी पर्सन को गलत सज़ा दे दी जाए। बहुत जेन्युइनली बात करते हैं, कभी किसी पर्सन को गलत सज़ा ना मिल जाए, इसलिए फैसला ऑन द स्पॉट होना एक मतलब कहेंगे कि गलत है या भावनाओं में बहकर आप किसी कभी जो जिसने जुर्म किया है उसे फांसी ना दे दी जाए। तो मेन ये है कि कुछ टाइम लो, अगर जहाँ पे हमें प्रूफ है कि ये रेपिस्ट है और ये विक्टिम है, उसे तो 7 दिन के अंदर ख़त्म करना चाहिए कि हाँ आपकी सज़ा ये है। हमारी पुलिस इतनी धीरे क्यों है? जुडिशरी सिस्टम इतना धीरे क्यों है? इनके धीरे होने का ही रीज़न है कि आज यहाँ पे रेप केसेस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अनु ने प्रियंका रेड्डी और सभी रेप पीड़ितों के लिए इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाला और अपनी ओर से प्रियंका के लिए मौन रहकर श्रद्धांजलि दी। अनु का संघर्ष अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, VH न्यूज, दिल्ली।
कैमरामैन उमेश गुप्ता के साथ मैं श्रवण तिवारी, VH न्यूज़।